मध्य प्रदेश की कटनी में एक वायरल वीडियो को लेकर बवाल मच गया। दरअसल यह वीडियो एमपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि जीआरपी थाने में महिला और एक नाबालिग बच्चे के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। वीडियो वायरल होने के बाद जीआरपी थाना प्रभारी को मामले से पृथक कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की कटनी में जीआरपी थाने के एक वीडियो को लेकर बवाल मच गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और एमपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से यह वीडियो शेयर कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। वीडियो में जीआरपी थाने के थाना प्रभारी अरुणा वाहने एक महिला और उसके नाबालिग बेटे को डंडे से पीट रही है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लेडी टीआई अरुणा वाहने पहले कैबिन का दरवाजा बंद करती है और फिर पाइप लेकर हैवानों की तरह दलित महिला की पिटाई शुरू कर देती है। महिला के बाल पकड़कर जमीन पर पटक देती है और फिर उसके नाती पर टीआई मैडम का कहर टूटता है, उसे भी जमकर पीटती है और दोनों को अचेत होने तक पीटती है। इस दौरान एक अन्य स्टाफ भी चैम्बर में दाखिल हुआ लेकिन रोकने की कोशिश नहीं की। थाना प्रभारी का अपना रौब चलता है। बताया जा रहा है कि पूरे घटनाक्रम में 4 पुलिसकर्मी शामिल थे। थाना प्रभारी सहित अन्य 4 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता ने विपक्ष का दायित्व दिया, तो विपक्ष अपना दायित्व निभा रहा। जहां अत्याचार अनाचार अधिकार का हनन होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपना खून पसीना लगाएगा, अपनी जान लगाएगा। लगातार आंदोलन इस बात के लिए घोतक है कि हम बीजेपी से ये हर कुप्रबंध का पर्दाफाश करेंगे, भ्रष्टाचार का करेंगे, इनके घोषणा पत्र वचन पत्र पालन करने के लिए मजबूर करेंगे और इनका असली चेहरा प्रदेश की जनता तक लेके। इस मामले में क्या कार्रवाई होना चाहिए? मैंने बताया टीआई को सस्पेंड करो। अभी पत्थरबाजी की घटना को लेके पुलिस पर हुई थी तो छतरपुर में घर तोड़ दिया, ढा दिया, तो अब पुलिस ने अत्याचार किया, क्या टीआई का घर तोड़ा जाएगा? उस पर एफआईआर होगी, जरूरी सवाल है। अपने ट्विटर हैंडल में उसको शेयर किया, इसके बाद उस वीडियो को लेकर के प्रशासनिक कार्रवाई भी की है। क्या मामला है और क्या कार्रवाई की गई है? इसमें कल ट्विटर के माध्यम से एक वीडियो सामने आया है जो पिछले साल अक्टूबर महीने का है और इस वीडियो के सामने आते ही जो तथ्य सामने आए हैं वो भी हम पुलिस विभाग के लिए भी रिवीलिंग है। और इसी विषय में डीएसपी कुल्हाड़ा जो हैं, जो भोपाल रेल में डीएसपी पदस्थ हैं, उनको जांच के लिए बुलाया गया है और आज उसी घटना के जांच के लिए मैं स्वयं कटनी भी आई हुई हूँ और डीआईजी मैडम भी आ रही हैं। वो जो महिला जिसके साथ मारपीट की गई है उसको थाने किस लिए बुलाया गया था, क्या मामला था? कटनी जीआरपी थाने का एक हिस्ट्री शीटर है दीपक वंशकार, जिसके ऊपर 19 मामले दर्ज हैं और अप्रैल 2024 में उसका जिला बदर भी हुआ है, जीआरपी कटनी द्वारा ही हुआ है और वो काफ़ी समय से फरार चल रहा था और बहुत सारी चोरियों के अपराध में वो संलिप्तता के कारण काफ़ी दिनों से वांटेड था। उसके ऊपर 10,000 का इनाम था। इस संबंध में कई बार उसके घर दबिश भी दी गई और ना मिलने पर उसके परिजनों को बुलाया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। महिला की अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश में या जीआरपी में तो अभी कोई अपराध ऐसे मिले नहीं है। जो बेटा है दीपक वंशकार का, उसका एक मारपीट का अपराध जरूर है जो कटनी थाने में पंजीबद्ध है पिछले साल का। वीडियो में जो देखा जा रहा है महिला का, जिस तरह अमानवीय तरीके से मारपीट की गई जी, उसी के संबंध में जांच की जा रही है जो डीएसपी कुल्हाड़ा द्वारा की गया। प्रथम दृष्टया अभी कुल क्या कार्रवाई की गई है? जितने भी लोग वीडियो में है उनको अभी लाइन अटैच किया गया है और उनके कथन विस्तार में लिए जा रहे हैं कि क्या घटना थी और किस संदर्भ में इन सभी को बुलाया गया था और क्यों थाने बुलाकर इस तरह से इनके साथ कृत्य हुआ। वीडियो जो है थाने का गोपनीय है और थाने मतलब टीआई कक्ष में लगा हुआ है, उसको किसने वायरल किया, क्या उस पर भी कोई जांच हो रही है? इसको अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो एक ऑफिशियल वीडियो है और जो ऑफिशियल कैमरा है उसका फुटेज एक बाहर किस प्रकार से गया है और इसकी भी विस्तार में जाँच होगी। देखिए इसमें 5 जो कांस्टेबल्स हैं और महिला कांस्टेबल है और एक टीआई है। मानवाधिकार को उल्लंघन देखा जा सकता है, जिस तरह एक महिला को मारपीट कर रहा है।
हाँ, इसमें सभी बिंदुओं पे विस्तार में जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उन पे विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। दल भी पटवारी ने एफआईआर तक करने की बात कही, से आप किस तरह से देखिए? अभी जांच हो जाने दीजिए, उसके उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या जोधपुर से दल में बुलवाया गया है यहाँ पे? क्योंकि काफ़ी सारे लोग लाइन अटैच हो गए हैं, तो इसी को देखते हुए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में भी आवश्यकता है बल्कि, और जो यहाँ पे खाली हो जाएगा क्योंकि आउटर में लगातार यहाँ पे घटनाएं होती हैं, चार जो हमारे थाने हैं वहाँ पे आउटर में जो गाड़ियाँ रुकती हैं लगातार डेली विदाउट फेल अपराध हो रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए फोर्स की आवश्यकता है, तो इसलिए रिएम्बर्समेंट का बल बुलाया गया है।